वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में, इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। वो मेरा खराब हो गया स्टैंड, उसके वो ग्रिप ना वो खराब हो गई। तो आज है मंगलवार और सुबह के बजे हुए हैं 10:30। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी है ना मंगलवार होगा ना, मैं रेड कलर की साड़ी पहन के रखती हूँ। आपको मालूम है मंगलवार को रेड कलर पहनना बहुत शुभ होता है, आपका मंगल है ना वो मजबूत होता है। बुधवार को ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जो जब अंतरिक्ष में देखा गया ना तो जो बुध ग्रह है वो ग्रीन कलर का है, तो उसको अगर ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं ना उस वार को बहुत शुभ होता है। मंगल ग्रह जो होता है ना वो रेड कलर का होता है, इसलिए रेड कलर के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। बृहस्पतिवार को ऐसे ही बृहस्पतिवार को येलो कपड़े पहनने चाहिए, शुक्रवार को रेड पिंक ये पहनने चाहिए, शनिवार को काले पहनने चाहिए और रविवार को लाल लाल पहनने चाहिए, लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरह से है ना कपड़े जो होते हैं ना वो पहनने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को कि रत्न पहनते हैं, रत्न जैसे पुखराज है और बहुत सारे होते हैं, मेरे को याद नहीं है नाम तो भाई, तो पहनते हैं ना वो इसलिए पहनते हैं कि अपना ग्रह जो होता है ना उनका नीच जो नीच ग्रह होता है ना उनका उसको मजबूत करने के लिए। तो हमें तो मेरे को तो पता चलता नहीं है कि कौन सा ग्रह मेरा मजबूत है और कौन सा नहीं है, तो हम तो वही कलर के कपड़े पहन लेते हैं कि आज मंगलवार है हमें तो सारे ग्रह ही मजबूत चाहिए, तो हम तो मंगलवार है तो मैं रेड कलर के कपड़े पहनती हूँ। अगर रेड कलर की अगर मैं रेड कलर की मेरे साड़ी नहीं पहनी है तो मेरा पेटीकोट या कुछ ऐसे रेड कलर का होगा मेरा। तो इस तरह से मैं ना पहनती हूँ कपड़े। और अभी 10:30 हुए हैं, नाश्ता वगैरह ये करके चले गए। मैंने आज ब्रेड सेक के दी थी, दलिया खाते ही हैं ये, और सब्जी में मैंने यहाँ पे बनाई है, दिख रही है आलू मेथी की सब्जी बनाई है और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैंने सिर धोया है, तो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि 7 दिन के बाद में ही सिर धोना चाहिए। तो आई नो कि 7 दिन के बाद में ही धोना चाहिए, और लेकिन मेरा क्या होता है कि जैसे है ना कोई त्यौहार पड़ रहा है, जैसे कोई जैसे आज मैं अपनी इस बार की बताती हूँ, तो जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो तुलसा जी का आज मतलब मैंने पूरे महीने सेवा करी है, पूजा करी है, दिया लगाया है, और ये जो दिन थे ना इन दिनों में मैंने दिया भी नहीं लगाया, और ये अब आज और कल लास्ट दिन थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तुलसा जी है ना वो ऐसे रह रही थी अंधेरे में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ऐसे धो लेती हूँ सिर कि है ना तीज त्यौहार पड़ रहा है कोई, तो मैंने धो लिया। वैसे मैं 7 दिन के बाद में ही धोती हूँ, लेकिन अगर कोई तीज त्यौहार बीच में पड़ रहा होता है ना तो फिर मैं धो लेती हूँ, मेरा ये रहता है। तो वैसे मैं अपनी बात बोलूँ ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे घिन विन नहीं आती है ना, जैसे पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत घिन करते थे ऐसी चीज़ों से कि ना अलग ही रूम देते थे, को भवन में बिठा देते थे, और ना बिस्तर अलग होते थे उनके, उनके बर्तन अलग होते थे। तो अब है ना समय के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस हुआ है हम सबके दिलों में दिमाग में, पहले घर के बाहर भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब थोड़ा समय चेंज हुआ है, घर के बाहर भी निकलती हैं लेडीज़ है ना, बातें भी करती हैं और खाना भी खाती हैं सबके साथ में बैठ के, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और हमें अपनी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी भी चाहिए कि ना समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर मैं धार्मिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर मैं आप लोगों से बोलूँ तो मैं ये भी मानती हूँ कि भगवान जो होते हैं ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र आत्मा है, बहुत पवित्र मतलब बहुत ही पवित्र हैं वो, तो उनके सामने अगर हम वॉशरूम में भी चले जाते हैं ना एक बार, जैसे नॉर्मल भी बता रही हूँ मैं, तो भी अपन नहाते हैं ना जैसे कोई बड़ी पूजा कर रहे हैं, करवा चौथ कर रहे हैं या कोई व्रत की पूजा कर रहे हैं, और हम अगर वॉशरूम में चले गए तो हम नहाते हैं साफ़ होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, मतलब अपन को खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि हम भगवान के सामने ऐसे जा रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ना भगवान जी के लिए हम थोड़े शुद्धताई से रहें, तो उन दिनों में पूजा नहीं करते हैं। और वैसे भी है ना वो आपने गुरुवार की कथा सुनी होगी ना, जिसके अंदर है ना वो गुरुजी का अपमान कर देते हैं, फिर ना उनको श्राप मिलता है, फिर जिसकी वजह से है ना उनके पूरा शरीर ख़राब हो जाता है, फिर वो उनका श्राप है ना 3 या 4 भागों में बांटा जाता है, एक भाग धरती को मिलता है, एक भाग पानी को, और एक भाग पौधों को, और एक भाग स्त्री को मिलता है। ये वाली कहानी सुनी होगी ना आपने,
स्त्रियां ये क्यों क्यों इनका ये टाइम आता है, इसलिए तो आता है कि श्राप के कारण ही तो आता है, और फिर उनको भगवान ने श्राप के बदले में ये वरदान दिया था कि वो माँ बनेंगी, तो फिर इस अपन को इसलिए तो अपन लोग माँ बनते हैं करते हैं। तो ये आप बृहस्पतिवार की कथा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये वाली चीज़। और मैं वैसे मैं बता रही हूँ कि ये ना मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि ये ना घिनपन नहीं सोचती हूँ ऐसे। और आप मुझसे बोल रहे थे एक था कमेंट जिसमें आप बोल रहे थे कि हम लोग पूजा करते हैं और ऐसे टाइम में भी हमने खाना बना लिया और फिर दोबारा हम मैं मतलब अब सही हो गए और फिर वही खाना बना लिया और उसी खाने को भोग लगा दिया। मतलब समझे उनके कहने का मतलब था कि जैसे हम आटा यूज़ कर रहे हैं, हमने वही आटे को हाथ लगा लिया और है ना खा लिया और फिर भगवान जी को भोग लगाया तब भी हमने वही आटा लगा लिया, ऐसे ऐसे कैसे रही शुद्धता ही, उनका कहने का मतलब ये था। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो पानी होता है ना, पानी वो पानी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर होती है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को लेने की। पानी के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी अपन सफाई का नाम लेंगे ना तो हमें सबसे पहले चीज़ जो याद आएगी ना वो पानी पानी आएगी ना, मतलब शुद्धता ही का काम करता है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। आप इस चीज़ को लीजिए तो जो जिस चीज़ में बात कर रही हूँ उसको आप नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लीजिए। तो पानी जो होता है ना वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को एब्जर्व करता है। तो जिस भी चीज़ में पानी डल जाएगा ना उस चीज़ को अगर आप हाथ लगाओगे ना तो वो अशुद्ध हो जाएगी उस टाइम में। लेकिन अगर जैसे आटा है उसको आटे को हाथ लगाओगे वो अशुद्ध नहीं होगी। तेल है, तेल में पानी नहीं होता है, उसको हाथ लगाओगे वो अशुद्ध नहीं होगी। बाय चांस आपने आटा लगा लिया और फिर उसके बाद में आप उसको गूंथ रहे हो है ना, तो फिर उसको हाथ लगाओगे ना तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगी। नहीं समझे आप ये बात कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी ना बहुत शुद्ध चीज़ होती है, बहुत ही शुद्ध चीज़ होती है। आप है ना मिट्टी से पहले समय में मिट्टी से बर्तन धोए जाते थे, अगर आप देखोगे ना तो पानी से नहीं धोते थे, पानी बहुत दूर दूर मिलता था तो मिट्टी से बर्तन धो लिया करते थे। और दूर कहाँ जाओ, हमारे पास में है ना एक रहते थे कोई, वो मिट्टी से बर्तन धोया करते थे। और मिट्टी ऐसे नहीं कि चेंज हो रही है, मिट्टी शुद्ध मानी जाती है मिट्टी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और फिर वही मिट्टी का अगर घड़ा बना दिया जाए तो आप समझ रहे हो, बर्तन बना दिए जाए तो उनको मांजेंगे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना ये कभी अशुद्ध नहीं होती हैं, और समझ गए मैं क्या बोली, पता नहीं मैं क्या बोली, मैंने बोल दिया जो मुझे समझ में आया मुझे बोल दिया। और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ ना तो आप मुझे ना सही कर सकते हो कमेंट के थ्रू, क्योंकि वही मैं बोलती हूँ ना कि आप भी मुझे बोलो, क्योंकि कुछ कुछ होंगे जो मुझसे बड़े हैं और मुझसे समझदार हैं और इस बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो आप लोग अपने बताइए विचार कि आपके क्या विचार हैं। मेरे तो यही विचार हैं कि ना अगर हम इससे घिनपन करेंगे तो हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगे, मतलब हम अपनी बेटियों से घिनपन करें। तो मैं इन चीज़ों से घिन नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि भगवान एक बहुत ही शुद्ध चीज़ है। अगर हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो नहाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी शुद्धता ही रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई पाप कर रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये एक हार्मोनल चेंजेस है जिसकी वजह से ना एक औरत माँ बनती है, तो ये कोई पाप नहीं है, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहती थी। और हाँ, शर्म की भी बात नहीं है, अगर आपकी बेटी है घर के अंदर और उसकी उसको आप है ना पहले से इस चीज़ की नॉलेज दीजिए कि अचानक से अगर उसके साथ ऐसा होता है तो फिर बच्चे ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन आप उसको शुरू से ही नॉलेज दोगे ना तो वो समझेगी। बच्चों के साथ खुल कर के बात कीजिए इस चीज़ में, क्योंकि अगर हम ही नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उनको। तो इसलिए ना हाँ जी बेटा जी, बिल्ली का बच्चा कहाँ है, इलाका बदल दिया, थर्ड फ्लोर पे चला गया। बिल्ली के बच्चे थर्ड फ्लोर पे चले गए हैं, टट्टर पे आ गया, थर्ड फ्लोर पे गया वो, थर्ड फ्लोर पे गया। आपने पकड़ा नहीं? मैंने पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ा आपने? भग गया आपके इधर आने से, ले डर गया, भग गया डर के मारे। जिस पकड़ के तो मैं ये बोल रही थी कोई शर्म की बात नहीं है, है ना, खुल कर के बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा लगता है आजकल सब समझते हैं, नेट और सोशल मीडिया हर कोई सब समझता है आजकल।
तो शाम हो चुकी है और अभी मैं इनकी जींस में बटन लगा रही हूँ। एक्चुअली इनकी जींस का बटन निकल गया तो मैंने सोचा कि मैं बटन लगा दूँ, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ और बस ऐसे ही घड़ी बना के रख देती हूँ। तो सोचा कि अभी लगा के रखूँ और सुई में धागा भी पोक कर ही रख रही हूँ अब मैं। तो शाम हो गई है और अभी बस मैंने चाय बना करके पी है और हर्षित को दूध दिया है, बर्तन वगैरह मांज दिए हैं, हाथ के हाथ ही मांज देती हूँ बर्तन वगैरह। और अभी बस देखूंगी कि खाने में क्या बनाना है। और एक छोटी सी है बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे ना आपके जैसे बटन टूट गया है जींस वगैरह का, तो आप बटन लगा दिया, फिर हम बटन लगाने के बाद में सुई धागे को ऐसे ही रख देते हैं ना, तो पता है सुई धागे को हमेशा है ना सुई में धागा डाल के फिर रखना चाहिए। क्यों? अब इसमें कोई वास्तु या कुछ वैसा ट्रिक नहीं है, इसमें एक गृहस्थी वाली बात है छोटी सी कि जब है ना हम नेक्स्ट टाइम काम करते हैं ना, तो हमें कब जरूरत पड़ती है सुई धागे की, एकदम से किसी का कुछ बटन टूट गया, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है उस समय उसका बटन टूट गया है, या फिर ना हस्बैंड नहाकर आए हैं उनकी शर्ट का बटन टूटा है, हमने ध्यान नहीं करा, ऐसे सडनली होता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और ब्लाउज छोटा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा सा टांका लगाना है कहीं, तो तब हमें चाहिए होता है, और उस टाइम पर हम पोने बैठे तो हड़बड़ी में पोती भी नहीं है सुई, तो इसलिए ना सुई में हमेशा धागा पोकर रखिए, जिससे जब नेक्स्ट टाइम के लिए, वो वाली स्टोरी नहीं सुनी आपने कि ना एक आदमी होता है जो है ना रेगिस्तान में चलता रहता है और उसको प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, और वो जो अपने साथ में खाने का और पीने का सामान लाता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है, और वो इस आस में चलता रहता है कि आगे उसको शायद पानी मिले, वो थक जाता है, गिर जाता है, सिकुड़ने लगता है, फिर एकदम से उसे एक हट नज़र आती है, उसे पहले विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर कि सामने झोपड़ी है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो चल के देखते हैं, मर रहेंगे, उससे अच्छा है कि चल के देखें, तो देखता है तो अंदर एक हेडपम्प होता है, वो देख करके खुश हो जाता है कि हेडपम्प में या तो, फिर वो हेडपम्प चलाता है, हेडपम्प चला करके उसमें से पानी निकालता है, खूब कोशिश करता है नहीं निकलता, वो हिम्मत हार जाता है और बोलता है कि शायद मेरी तो अंत समय यहीं पर ही है, अब मैं यहीं पर ही मर जाऊँगा, और वो वहीं पर ही पस्त होकर लेट जाता है, तो उसका शरीर भी ऐसा हो जाता है कि जैसे अब जान निकलने वाली है, लेटता है, ऊपर देखता है तो एक बोतल टंगी होती है जिसके अंदर पानी होता है, तो वो उस पानी को देखता है, उस पानी के साथ में एक पर्ची लगी होती है, उस पर्ची में लिखा होता है कि इस पानी को आप हेडपम्प में डालोगे ना तो बहुत सारा पानी निकल आएगा, जितना आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा पानी निकल आएगा। तो अब इस समय ना उसको ऐसा लगता है कि इस पानी को मैं हेडपम्प में डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि कहीं पानी भी वेस्ट हो जाए और पानी निकले नहीं हेडपम्प में से, भाई जीने और मरने वाली सिचुएशन थी उस टाइम पर। अगर आप होते उस टाइम तो उस टाइम क्या करते, आप बताइए क्या करते, आप हेडपम्प में डालते पानी या उस बोतल वाले पानी को पी लेते? उस आदमी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं डालकर देखता हूँ कि क्या होता है, और अगर किस्मत में मरना लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मर जाऊँगा। तो वो अच्छा सोचता है, किसी मतलब अच्छा सोच कर कि वो हेडपम्प में पानी डालता है, और पानी और उस पर्ची में ये भी लिखा होता है कि नेक्स्ट इंसान के लिए इस बोतल को भर के फिर जाना। तो वो हेडपम्प में पानी डालता है तो हेडपम्प में से खूब सारा पानी निकल आता है और वो नहाता है आराम से मस्त, मतलब पानी तो जीवन है, तो आराम से वो नहा लेता है और फिर वो उस बोतल के अंदर पानी भरता है और वापस से टांगता है, और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी लिख कर डालता है कि जरूर निकलेगा पानी, विश्वास कीजिए। तो मतलब उसने आने अगले वाले टाइम के लिए, यानी जो नेक्स्ट मुसाफिर आएगा उसके लिए, उस बोतल को भरा भी, पर्ची को वापस से डाला भी, जिससे वो भी नेक्स्ट के लिए करे। तो मतलब आगे का सोचकर, दूसरों का सोचकर हमेशा चलना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए भला करने की सोचेंगे ना, तो भगवान भी आपके लिए भला करने की सोचेंगे अपने आप ही, उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और आज है मंगलवार, यानी कि आज मंगलवार ही है ना, हाँ मैंने रेड साड़ी पहनी है। हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय, हालत देख बंदर लग रहा है बंदर। अच्छा जरा पोयम सुना दो जल्दी से, अभी वो सुना रहे थे ना, ऊपर देखो नीचे देखो ताली बजाओ, सुनाइए।
और जो भी स्ट्रोक हो जाते हैं, जो भी हिलता है वो आउट हो जाता है। गेम है, स्ट्रोक नहीं है। अच्छा गेम है, तब भी इसके मुंह से तो पोयम ही लगेगी। चल सुना, पोयम सुना जल्दी। खिलती वो वाली, ऊपर देखो नीचे देखो, ताली बजाओ सीटी बजाओ। ऊपर देखो नीचे देखो, पैर मताओ। और आगे हाँ? आगे आगे टीटी बजाओ। हाँ मस्त सीटी बुलाता है। बेगो तो नहीं आती सीटी बजाने आप लोगों को? आती है क्या? तालियां तो आती है बेटा, मेरे हाथ में फोन है। आपको आती है सीटी बजाना? किस किस को आती है सीटी, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरे हमारे मंशु से ज्यादा अच्छी किसी को नहीं आती होगी। मुंह देख कैसा हो रहा है, लग लो इसकी मम्मी की हो रही तबीयत खराब। देखो फोन रखना दे, धुल गया। अब लग रहा है राजा बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। अब ला मुंह पोछू, जल्दी आ जा। अपन तो मुंह पोछेंगे, मुंह पोछेंगे। आजा जल्दी आजा, मेरी देख तेरे चक्कर में रोटी ठंडी हो रही है। ले इसे मुंह पोछ, अपना मुंह पोछ। इधर मैं नहीं, मैं पोछू। ले जल्दी पोछ, तू यहीं पोछ। अरे यहाँ आ जा, यहाँ पे आ जा। चल पोछ, तू पोछ, कहीं पोछ। भैया देख लेगा तो मारेगा। भैया की तौलिया है। जल्दी से पोछ के दे, पोछ लिया। आजा आजा चलिए, आजा रोटी खाएंगे अपन। जल्दी आजा, जल्दी आजा। अशित और खाना खाना है बेटा आपको? वंशु आजा, अपन खाना खाएंगे। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ और मेरा वहाँ पर फ़ोन की स्टैंड की वो ग्रिप ख़राब हो रही है ना, तो फ़ोन को मैं स्टैंड पे लगा ही नहीं पा रही और फिर मैं इसलिए आपको कोई काम भी नहीं दिखा पा रही वीडियो में। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसा आपको कोई काम नहीं दिखा पा रही और डेली के जो रूटीन है वो भी नहीं दिखा पा रही। तो बस ऐसे ही बातें ही किए जा रही हूँ इन दिनों। तो आई रियली होप फिर भी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी। सब अपना ध्यान रखिएगा।